आप निकल लीजिए, आप टेकल हम कर ले, कर लेंगे आप निकल आप निकल मैं अरे भाई ठीक ठीक आप टेकल कर ठीक ठीक मैं भाई कह रहा हूँ नहीं ठीक है बस आप खाली हम देख लें ठीक आखिर हम लोग करें क्या। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैंने आज भी सीएम हाउस बात की, लगातार डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया, मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट कोलैप्स है, सिस्टम निरंकुश हो चुकी है, लगातार बेटी बहन और माँ के साथ ज्यादती घट ढुक के मारपीट नेपाली नगर में, राजीव नगर में, डर और आतंक का वातावरण है, हिटलर नेपोलियन और मोसोलिनी से भी बुरा हाल है। इतना बड़ा आतंक का माहौल डेमोक्रेसी में, सरकार जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए होती है, सरकार प्रतिबद्ध है आम आदमी के लिए, सरकार को इतने बड़े शहर में इतनी बड़ी परिवार के लिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत थी। लेकिन आज सुबह से किसी के घर में बिजली नहीं है, किसी ने लैट्रिन नहीं गया, किसी के यहाँ खाना नहीं बनी, इससे बुरा हाल कुछ हो नहीं सकता। मैं हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ सरकार से, पैर पकड़ता हूँ हिंदुस्तान के हर लोगों से कि नेपाली नगर और राजीव नगर के आम आदमी के भीतर जो खौफ और डर है उसको निकालने में मदद करिए, उसके परिवार को जीने में मदद करिए। मैंने अभी डीएम से मैं बातचीत की, डीएम हमसे सीधा कहा कि सर आप रहिएगा तो वायलेंस हो जाएगा, सिटी एसपी को मार दिया है ये लोग, हम नहीं बख्शेंगे। और फिर महिलाओं के साथ धूप के बर्ताव गलत कर रहा था तो मैंने रोका। मुझे लगता है कि मुझे जान न देना पड़ जाए, हालात अच्छे नहीं है। हम पटना प्रशासन से और नीतीश जी से आग्रह करेंगे और तमाम विधायक और एमएलए, जब रविशंकर से लेकर संजीव चौरसिया से लेकर सबका रोड यहां बना हुआ है, सरकार का फंड लगा हुआ है, बिजली दी गई, नाला बनाने का प्रयास हुआ, सारे पैसे लोगों ने जनता को टैक्स दिया और उसके बाद लगातार आतंकी हमला से भी बड़ा माफी नहीं हो सकती। यदि सरकार ने इस तरह के रवैये, तारकिशोर जी हों या कोई, शायद इससे बड़ा नाइंसाफी दुनिया में नहीं हो सकती। हम बाढ़ में भी आए थे नेपाली नगर राजीव नगर, तब भी हमने कहा था हालात अच्छे नहीं है और लोगों ने अपने प्रयास से जिंदगी बचाई। और फिर आज मौत का मंजर है, सारी बच्चियां और बच्चे, मासूम बच्चे और माँ आतंक के माहौल में है, मरने की तैयारी में बुजुर्ग हैं। शायद क्या होगा कहना मुश्किल, एक कैजुअलिटी हो चुका है, कई लोग जल चुके हैं, पेट्रोल छीट के जलाने का प्रयास किया गया। मैं हाथ जोड़ के यदि नीतीश कुमार जी आप मेरी बात सुन, मेरा इसमें दो सवाल ये है, लगातार राजीव नगर नेपाली नगर, आखिर एक तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीजों के पटना शहर को सरकार ने लगातार 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से बिना किसी रोड मैप के, जिसके चलते बाढ़ भी आई, पटना बर्बाद भी हुआ, लेकिन जब राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहां जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, सीओ एडीएम से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया कंप्लीट रूप से। और पब्लिक निर्दोष होती है, वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आसियाना मिलेगा वह व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है,
क्योंकि सरकार इसमें गलत है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जिस वक्त जमीन दे रहा था उस वक्त सरकार इसे जमीन नहीं देती। लगातार हाईकोर्ट को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पब्लिक ने अपना तिल तिल जिंदगी बना दिया, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा, बस ये नेपाली नगर और राजीव नगर बचा हुआ है। चार बार बोले हैं, चार बार आप लोग मिले हैं सर। 30 तारीख का हुआ विधानसभा में क्वेश्चन उठा है सर, कोई जवाब नहीं। ए पत्थर मत चलो, ए ए पत्थर हालांकि ये स्टार्ट कर रहे हैं।